बेस्ट ऑफ शाबाश इंडिया की हैरत अंगेज दुनिया में सारे इंडिया का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से हम शाबाश इंडिया के इतिहास से गुजर रहे हैं, कामयाबी और उपलब्धि के लम्हों को फिर से जी रहे हैं और आज भी हम वापस जाएंगे बीते हुए कल के सफर पर। लेकिन आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज आपके सामने जो कलाकार आने वाले हैं उन्होंने उम्मीदों से आगे की उपलब्धियां हासिल की। ये वो कलाकार है जिन्होंने कुदरत के खिलाफ जाकर अपने लिए एक नया मकाम तैयार किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की दया भरी नजरों को झुकने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज की शाम हम पेश करेंगे उन कलाकारों के कारनामे जिन्होंने कुदरत को दिया मुंह तोड़ जवाब। जिंदगी की रेस में इन लोगों को अक्सर पीछे की पायदान पर ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन हौसले बुलंद हो तो शारीरिक अधूरापन भी कोई मायने नहीं रखता है। यही बात सिखाई हमें इन अनोखे हिंदुस्तानियों ने। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक फोर व्हीलर गाड़ी को चलाने के लिए किसी भी इंसान को दो टांगों और दो हाथों की जरूरत होती है, लेकिन नवीन गुलिया ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। हेलो, मेरा नाम नवीन गुलिया है और मैंने 18 साल की उम्र में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ज्वाइन करी थी क्योंकि मेरा बचपन से एक ख्वाब था कि मैं फौज में सर्व कर सकूं। और तकरीबन आज से 12 साल पहले एक कंपटीशन में पार्ट लेते हुए मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी जिससे मेरा पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था और मेडिकल साइंस ने मुझे 100% डिसेबल डिक्लेयर कर दिया था। मेरे मन में और मेरे अंदर वो पैशन था, वो जज्बा था कि मैं ज़िंदगी से हार नहीं मानना चाहता था। 4 महीने तक तो खड़ी वैसे ही इसको स्क्रू लगे हुए थे, ट्रैक्शन में था, गर्दन नहीं हिला सकता था, हेड शेव कर दिए गए थे। वो लाइफ जिंदगी में मैं कभी नहीं भूल सकती कि एक बच्चे ने 4 महीने 4 छत की 4 6 टाइलें देखकर ही गुजारी क्योंकि गर्दन भी ऐसे नहीं कर सकता था। और एक टाइम हमने फैसला किया था कि इसको पैराप्लेजिक होम में एडमिट कराएंगे, लेकिन नवीन की हिम्मत देख करके हम उसको घर में लाए और घर में रिहैबिलिटेट किया और आज नवीन सारा काम अपने आप करता है। वो एक संघर्ष था, जब मैं पहली बार अपना हाथ थोड़ा सा हिला सका तो मेरे को अपने हाथ को अपने चेहरे तक लाने में भी 1 घंटा लगा था। जब मैं पहली बार चेयर चला सका तो मेरे को अपनी चेयर को 5 गज चलाने में अगेन आधा 1 घंटा लग गया था। और फाइनली जाके मैंने यही विचार किया कि मैं ड्राइव करूँगा, तो मतलब किसी का भी यकीन नहीं था कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ। ओवरऑल हम बताना चाहेंगे दोबारा, पूरा क्लच है, इसे जब प्रेस करेंगे दिस इज द लॉक, या so here the clutch is locked now. Yeah, and this will release it. ये release कर दिया and the bottom one is the accelerator. Okay, that's the gear and as usual the hand gear. Drive के लिए निकलते हैं with the man Naveen. हौसले बुलंद हो और दिल में कुछ कर दिखाने की चाह हो तो शरीर के अधूरेपन के बावजूद बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार किया जा सकता है और यही कर दिखाया नवीन जी ने। कार चलाना तो बस एक छोटा सा काम है, इनके ख्वाबों की पहुंच काफी दूर तक है। नवीन जी की तरह ही एक और बच्चा है, उसे भी कल्पनाओं की दुनिया में उड़ते रहने का बहुत शौक है और वो उन कल्पनाओं की दुनिया को रंगों में समेट कर कागज पर बिखेर देता है। इन चित्रों को देखकर लगता है जैसे हर रंग हमसे बात कर रहा है, लेकिन रामकृष्ण की दुनिया खामोश ही रहती है। अकेलेपन से घिरा ये कलाकार अक्सर रंगों और कैनवस को अपना साथी बना लेता है। ये है रामकृष्ण, जितना सलोना नाम है उतना ही सलोना अंदाज। ऊपर वाले ने भले ही उनके साथ पूरा न्याय नहीं किया, लेकिन बिना शिकायत अपनी एक अलग ही जबान तैयार कर ली, रंगों की जबान। और जब वो जबान बोलना शुरू करती है तो सब कुछ खामोश हो जाता है।
वेलकम रामकृष्णन, वेलकम शाबाश इंडिया में हार्दिक स्वागत है। हेलो हेलो, और आप है इनकी बहन बनजा, आपका भी स्वागत है यहाँ पर। थैंक यू। रामकृष्णन कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है इसे। रामकृष्णन के बारे में कुछ बताइए, उन्हें ये पेंटिंग का शौक कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? जब मैं स्कूल जाती थी और घर पे होमवर्क लाती थी ड्राइंग का, तब ये देखता था कि ये मेरी बहन कर रही है, मैं भी करूँगा। तो माँ को बोल के ये भी उसने भी शुरू किया पेंटिंग करना। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसको अच्छा लग रहा है पेंटिंग करने के लिए, पेंटिंग करना। और क्योंकि वो हाथ यूज़ नहीं कर सकता, तो पैर से शुरू किया उसने पेंटिंग करना, और ये भी बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। एग्जीबिशंस भी किए हैं उसने बहुत, वो बता रहा है। कहाँ कहाँ किए आपने एग्जीबिशंस? दिल्ली, बॉम्बे, ताइवान, चेन्नई, बैंगलोर। आपके परिवार में कौन कौन है? दो बड़ी बहनें हैं, मगर वो अभी बॉम्बे में नहीं है। बॉम्बे में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड इसके साथ रहते हैं, क्योंकि पिताजी और माँ का, हमारी माँ का डेथ लगभग 8 साल पहले हो गया, तो उनका लॉस महसूस होता है। हमारे माँ का डेथ अराउंड 8 साल पहले हुआ, और उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिया इसको सिखाने के लिए। तो उसका उनका कमी महसूस होता है। पिताजी अभी 1.5 साल पहले गुजर गए, तो वी आर ओके नाउ। अभी यहाँ पर हमारे लिए एक छोटी सी पेंटिंग बनाएंगे आप? ओके ओके ओके, आइए। दोस्तों, रामकृष्णन ने अभी तक अपनी पेंटिंग कंप्लीट नहीं की, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि कितने अच्छे कलाकार। अगर है दम जीने का, तो उठा लो ब्रश हाथों में और भर दो जीवन के हर पल को आशाओं के रंगों से। दोस्तों, ये है खूबसूरत इंडिया, रंग बिरंगी इंडिया, आपका इंडिया, हमारा इंडिया। कम ऑन रामकृष्णन, शाबाश इंडिया। सपनों और उम्मीदों की दुनिया लेकर बेस्ट ऑफ शाबाश इंडिया एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, कहते हैं कि शिखर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा ऊपर की तरफ उठता है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कभी कभी नीचे की तरफ जाने वाला रास्ता भी आपको शिखर पर बैठा देता है, तो आप यकीन करेंगे, है ना? लेकिन चलिए पहले ये देख लीजिए। ये है कुमारवेल। हाय कुमारवेल, आई एम गुड, आप कैसे? फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद कुमारवेल अपने हाथों के जरिए, राइट, अपने हाथों के जरिए विद हिज ओन हैंड्स काफी सारे कारनामे करते हैं, और आज 500 सीढ़ियां अपने हाथों के बल उतर कर जाने वाले हैं। आई रिपीट, और ये रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है, 4 मिनट में 500 सीढ़ियां उन्होंने उतरी हैं। अभी आपने कुमारवेल के प्रैक्टिस शॉट्स देखे जहां ये वार्म अप हो रहे थे, एंड नाउ द ब्रेव मैन इज फाइनली रेडी फॉर द ग्रैंड फिनाले। कुमारवेल, आर यू रेडी? रेडी रेडी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, शाबाश इंडिया।
और आपको बताएं कि कुमारवेल इस वक्त यहाँ पे जहाँ है 300 स्टेप्स पार कर चुके हैं और बहुत ही कम समय में। और सबसे ज्यादा डेंजर जो इन्वॉल्व है इस तरह के इवेंट में वो है स्टेप्स पर स्लिप होने का खतरा। इस नौजवान का माइंड जो इम्बैलेंस है, मार्वेल चेन्नई के रहने वाले, इन्होंने आज शाबाश इंडिया के इस एपिसोड में वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी मिसाल जितनी दी जाए वो कम है। और यहाँ पर कुमारवेल ने 500 सीढ़ियां इस मंदिर की उतर कर अपने हाथों के बल पर ये कारनामा कर दिखाया, बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छू लिया है। कुमारवेल, हाउ यू फीलिंग? गुड। हे इज अ चैंप अमंग अस ऑन द शो, शाबाश इंडिया, लेट्स से शाबाश इंडिया। 4 मिनट 40 सेकंड के समय में तो किसी आम इंसान के लिए भी 500 सीढ़ियां उतरना मुश्किल हो जाता है, लेकिन डी कुमारवेल कोई आम इंसान नहीं। अपने इरादों को ही अपनी ताकत बनाकर डी कुमारवेल ने यह साबित कर दिया है कि भले ही जिंदगी आपके साथ पूरा न्याय ना करे, पर आप चाहे तो जिंदगी को अपने ऊपर गर्व करने को मजबूर कर सकते हैं। और जिंदगी को अपने ऊपर गर्व करने के लिए मजबूर किया है डी कुमारवेल जैसे ही शारीरिक रूप से अधूरे तबर्रुख खान ने। दोस्तों, जब जिंदगी में हादसे होते हैं तो जितनी चोट शरीर को पहुंचती है उससे कहीं ज्यादा चोट पहुंचती है आत्मविश्वास को, मन को। इंसान अगर बाहर से सही सलामत रहे तो भी हादसों के बाद अंदर से तो टूट ही जाता है, लेकिन तबर्रुख खान जो काम करते हैं उसे देखकर बहुत से टूटे हुए इंसानों को फिर से खड़ा होने की प्रेरणा मिलेगी, और ये मेरा दावा है। कभी ऐसा कोई वाक्या है आपके दिमाग में कि कभी ऐसा हुआ हो? हमारे साथ अर्जेंट सिचुएशन भी आ जाती है कि अचानक ब्रेक लगाना पड़े, कोई भी अचानक आ जाना है, देख लीजिए उसको हम ऐसा फट से गाड़ी खड़ी कर देंगे, कुछ भी इधर भी क्या है, गाड़ी भी नहीं बुझी, गाड़ी आपकी चालू है, अब जगह डबल एक्सीलेटर की जरूरत है, दे दिया, फट डाल लिए, हर बात का जवाब है। वाह, क्या बात दोस्तों, डी कुमारवेल और तबर्रुख खान जैसे इंसानों को देखकर इस बात पर तो पूरी तरह यकीन होता है कि इंसान की ताकत उसके शरीर में नहीं होती, इंसान की असली ताकत होती है उसकी सोच में। अगर सोच हो बड़ी तो मंजिलें भी बन जाती है बड़ी। जिंदगी को जगमगाने वाले इन हीरोज को शाबाश इंडिया फिर से एक बार सलाम करता है। यह है जबरदस्त इंडिया, शाबाश से आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने बेस्ट ऑफ शाबाश इंडिया में। दोस्तों, यादों के सफर का ये कारवां पूरे जोश के साथ चल रहा है, तो चलिए इस जोश को आगे बढ़ाते हैं और जोश के इस तूफान की तरंगों के साथ साथ थोड़ा झूम भी लेते हैं। पर झूमने के लिए जरूरत है म्यूजिक की। अब ये म्यूजिक कहां से आएगा? फिक्र मत कीजिए, म्यूजिक जरूर आएगा और आपके कदम उस म्यूजिक की ताल पर थिरकेंगे भी। तो थिरकने के लिए, झूमने के लिए, नाचने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार फिर हम पेश कर रहे हैं गुजरात के कमलेश पटेल को।
कमलेश जी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है और शाबाश इंडिया को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं हमारे जैसे हैंडीकैप लोगों को और मुझे यहाँ पे परफॉर्म करने का एक बढ़िया मौका दिया। मैं बचपन से ही मुझे पैरालिसिस हो गया था और मुझे पहले से ही डांस का बहुत शौक था। अभी हाल ही में कॉम्पिटिशन में बड़ौदा में और गुजरात डांस कॉम्पिटिशन में जज में सरोज खान जी थे, तो उन्होंने मुझे, मेरी सबसे बड़ी सफलता है कि जब मैं डांस करता तो पूरे डांस में शुरू से लास्ट तक वो वहाँ पे खड़ी हो गई और उन्होंने पूरे डांस में इतना रोया कि मैंने बोला कि यार मेरा ये पूरी लाइफ एकदम सफल हो गई, कि जहाँ इतनी बड़ी कोरियोग्राफर जो अपनी आँखों में से आंसू निकाले वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। कमलेश जी, आपके जोश, आपके जुनून, आपके हौसले को देखकर लगता है कि आपने कभी हारना नहीं। आपके सामने हार भी हार जाए और आपका यही जोश, यही जुनून पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन। जोरदार तालियां कमलेश के लिए। आप तैयार हैं? कमलेश जी, यस, क्या कहूँ मैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ पर आए और ये मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि मुझे आप जैसे व्यक्ति से मिलने का और बात करने का अवसर मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अरे इतनी एनर्जी के साथ नाचते हुए आज तक मैंने तो किसी को नहीं देखा। कमलेश के अंदाज को देखकर तो लग रहा था मानो बिजली उनके शरीर में उतर गई। अपनी सीमाओं को तोड़ कर ये कलाकार ये साबित कर गया कि उड़ने के लिए पंख की नहीं प्रतिभा की जरूरत होती है। कौन कहेगा कि ये इंसान अधूरा है? अरे ये इंसान तो संपूर्ण है, ये तो जलवा है, शक्ति भरा लावा है। ये इंसान है इंसानी जज्बे की असली तस्वीर। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए और शाबाश इंडिया के मंच की रौनक बनने के लिए हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है शाबाश इंडिया, जी टीवी, पोस्ट बॉक्स नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099, इंडिया टीवीसी। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 022-2854-7734 या फिर 2854-7735, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com पर। अगले हफ्ते फिर से लेकर आएंगे इंसानी जज्बे की ऐसी अनदेखी तस्वीर जिसमें छिपी है एक ही बात कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, यह है इंडिया। शाबाश इंडिया।
दिखाने की उमंग से चले जावाश।